नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और आपके साथ मैं राजेंद्र देव। बड़ी खबर आ रही है, आतंकियों के निशाने पर हैं भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। डोभाल की रेकी की खबर के बाद सुरक्षा बढ़ गई है। जैश आतंकी ने डोभाल के ऑफिस की रेकी की थी। 6 फरवरी को गिरफ्तार हुए आतंकी से इस बात के सबूत मिले हैं। कश्मीर के शोपियां से यह आतंकी गिरफ्तार हुआ था। जैश के फ्रंट फुट के लीडर से रेकी के सबूत मिले हैं। बड़ी खबर, आतंकी ने डोभाल के दफ्तर की रेकी की और इसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। गिरफ्तार आतंकी से पूछताछ में ये बातें सामने आई हैं, रेकी के सबूत भी मिले हैं। जैश आतंकी ने डोभाल के ऑफिस की रेकी की थी। 6 फरवरी को गिरफ्तार हुए आतंकी से इस बात के सबूत मिले हैं और उसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। कश्मीर के शोपियां से गिरफ्तार हुआ था जैश का आतंकी। अगली बड़ी खबर दिल्ली से है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश का अलर्ट जारी किया गया। घाटी में अलगाववाद पार्ट 2 की साजिश शुरू हो गई। गृह मंत्रालय ने अधिकारियों को अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर में और कड़ी होगी सुरक्षा व्यवस्था। तो घाटी में अलगाववाद पार्ट 2 की साजिश शुरू। गृह मंत्रालय ने अधिकारियों को अलर्ट जारी कर दिया है। बड़ी खबर गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश का अलर्ट जारी किया गया है। घाटी में अलगाववाद पार्ट 2 की साजिश शुरू। बहुत बड़ी खबर गृह मंत्रालय के सूत्रों से। जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश का अलर्ट। घाटी में अलगाववाद पार्ट 2 की साजिश शुरू। गृह मंत्रालय ने अधिकारियों को इस बाबत अलर्ट भी जारी कर दिया है। और कड़ी होगी सुरक्षा व्यवस्था जम्मू कश्मीर में। इधर श्रीराम मंदिर निर्माण में सहयोग के लिए ऑल इंडिया शिया यतीम खाना की ओर से दान दिया जाएगा। संस्था के यतीम बच्चों और अन्य बच्चों के साथ मुस्लिम समाज के लोगों की ओर से दान दिया जाएगा। ऑल इंडिया शिया यतीम खाना में यह कार्यक्रम चल रहा है। वहां पर आरएसएस नेता और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संयोजक इंद्रेश कुमार इस वक्त बोल रहे हैं। 20,000 नबी पैगंबर अवतार आए हैं, अलग अलग सरजमी पर आए हैं, अलग अलग मुल्क में आए, अलग अलग समय पर आए हैं, जब जब जहां जहां मुसीबत थी वहां पर आए हैं। उनकी उम्मतें, उनके फॉलोवर आज भी हैं। उनकी किताबें भी हैं जो खुदाई किताबें कहलाती हैं। उनके तौर तरीके भी हैं, पूजा पाठ के वो भी हैं। इसलिए दुनिया के लोगों से ये अपील की थी उन्होंने, ये इलम, ये तालीम भेजी थी कि मेरे से पहले 1,24,000 नबी पैगंबर आए हैं। उसमें राम भी है, उसमें मोसेज भी है, उसमें कृष्ण भी है, उसमें ईसा भी है, उसके अंदर बुद्ध भी है, महावीर भी है। और ऐसे 1,24,000 नबी हैं। और इन नबियों के बारे में एक नसीहत भेजी थी, अमन की, सुकून की, भाईचारे की, तालीम की और तरक्की की, जिसको कहा गया है पुराने पाक के अंदर लकुम दीने तुम वलिया दी। हे मुझे मानने वाले, तेरा दीन है और उसमें भी कई दीन बने, तू अपने दीन पर चल, दूसरे के दीन में दखल मत दे, दूसरे के दीन की आलोचना मजम्मत मत कर, दूसरे के दीन के साथ खिलवाड़ मत कर। अगर ये करेगा तो दंगे फसाद होंगे, कट्टरता होगी, हिंसा होगी, खून खराबा होगा। और अगर तू दूसरे के भी दीन की इज्जत करेगा तो अमन आएगा, सुकून आएगा, भाईचारा आएगा। इसलिए अपना हिंदुस्तान कैसा खूबसूरत है, हजारों हजार लाखों खानकाएं हैं, मकतब हैं,
लाखों लाख दरगाहें। आरएसएस लीडर इंद्रेश कुमार को आप अभी लाइव देख रहे थे, वो बता रहे थे कि कुरान में हदीस में किन बातों का जिक्र है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर है, अयोध्या में एयरपोर्ट के लिए जल्द फंड मिलेगा। एयरपोर्ट निर्माण के लिए जल्द 400 करोड़ रुपए मिलेंगे। बजट सत्र से पहले ही फंड देगी राज्य सरकार, पहले भी 625 करोड़ दे चुकी है यूपी सरकार। अयोध्या में एयरपोर्ट 3 महीने में शुरू करने की तैयारी है। पहले चरण में एयरपोर्ट से एयरक्राफ्ट उड़ाने की तैयारी है। पहले भी 625 करोड़ दे चुकी है सरकार, 400 करोड़ रुपए और रिलीज किए जाएंगे और अयोध्या में एयरपोर्ट 3 महीने में शुरू करने की तैयारी है। ऑनलाइन पर हमारे साथ है हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला। अनुभव, एयरपोर्ट निर्माण के लिए 400 करोड़ रुपए कब तक मिलेंगे और इससे कैसे सहयोग होगा निर्माण में? करोड़ रुपए जो है वो जो बजट सत्र होना है 18 तारीख, उससे पहले ही एयरपोर्ट के निर्माण के लिए दिए जाएंगे, क्योंकि 625 करोड़ पहले जो दिए गए थे वो दरअसल लैंड एक्विजिशन के लिए दिए गए थे। अब राज्य सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को पत्र लिखा है, साफ तौर पर कहा है कि 3 महीने के भीतर उसका निर्माण कर दिया जाए, जिससे जो ATR एयरक्राफ्ट होते हैं उसके उड़ाने शुरू हो सके 3 महीने के भीतर। और 400 करोड़ रुपए का जो फंड था वो सरकार 2 से 3 दिनों में कहा जा रहा है कि रिलीज कर देगी, जिससे कि जो निर्माण का काम है उसमें और तेजी आएगी। और केंद्र सरकार की तरफ से अपना जो बजट है वो भी दिया जा चुका है, तो सरकार की कोशिश यही है कि 3 महीने के भीतर अयोध्या का जो एयरपोर्ट है उसे एक तरीके से संचालित किया जा सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुभव। तो सरकार की कोशिश यही कि 3 महीने के भीतर अयोध्या के एयरपोर्ट को ऑपरेशनल बनाया जा सके, उस पर उड़ानों को संचालित किया जा सके और उसका लाभ जो है वो लोगों को मिल सके। पहले भी 625 करोड़ दे चुकी है यूपी सरकार, 400 करोड़ रुपए और मिल सकते हैं। और इधर लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेधावी छात्रों से मुलाकात की, उन्हें सम्मानित किया। ये बच्चे राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित हुए। यूपी के 5 मेधावी छात्रों को पीएम मोदी ने सम्मानित किया है। सीएम ने सम्मान कार्यक्रम के दौरान कहा कि इन 5ों बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया। 5 मेधावी छात्रों को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया, उनका मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, योग्य लोगों को पुरस्कार दिया गया है, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलने को। उन्होंने कहा 5ों की अपनी फील्ड है, अपने क्षेत्र है और इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया है। बताया उन्होंने कि हर व्यक्ति को जीवन में अवसर मिलता है, प्रतिभा को मंच देने की आवश्यकता होती है और 5ों ही बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है, हर व्यक्ति में प्रतिभा है। निष्काम कर्मयोग का उदाहरण भी उन्होंने दिया और बताया कि कैसे निष्काम कर्मयोग से उच्चतम सफलताएं प्राप्त की जा सकती। तो 5 बच्चों को आप देखिए, वो वहां उनके साथ मौजूद थे और एक बच्चे ने तो बांसुरी बजाकर उन्हें बहुत प्रभावित किया। तत्काल उन्होंने उसकी प्रशंसा में ताली भी बजाई, उसका उत्साहवर्धन भी किया। प्रधानमंत्री मोदी जी के और भारत सरकार के, जिन्होंने देश के अंदर एक बहुत पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से चयन की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है और उसका परिणाम है कि भारत सरकार के जितने भी पुरस्कार आ रहे हैं, बाल पुरस्कार हों या प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार हों, पूरे पारदर्शी तरीके से उन लोगों को प्रदान किए जा रहे हैं जिन्होंने समाज में कुछ विशिष्ट योगदान किया है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति अपनी प्रतिभा को समाज के सामने ला सकता है, वह कला है, संस्कृति है, स्पोर्ट्स है, अपना साहित्य का है।
अगली बड़ी खबर अमेठी से है। डॉक्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी गुमशुदगी के बारे में खबर है। निमंत्रण के लिए निकले थे डॉक्टर साहब, उनकी मोटरसाइकिल और मोबाइल घर से दूर मिले। अमेठी से खबर आ रही है, घर से दूर जगदीशपुर थाना इलाके के नाले में मिले, पुलिस लापता डॉक्टर की तलाश कर रही। निमंत्रण देने के लिए निकले थे, अमेठी से खबर, डॉक्टर लापता, मोबाइल कुछ दूरी पर मिला है नाले में, पुलिस डॉक्टर की तलाश कर रही है, लापता डॉक्टर। अगली खबर लखनऊ से, आज भी विधायकों को ट्रेनिंग मिल रही है। विधानसभा में आईपैड चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, पेपरलेस सत्र के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विधायकों को ट्रेनिंग का आज दूसरा दिन है। आज भी आईपैड चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है विधायकों को, पेपरलेस सत्र के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लखनऊ से खबर, आज भी विधायकों को ट्रेनिंग मिल रही है। विधानसभा में आईपैड चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, कल भी ये हुई थी, आज भी चल रही है। कैसे पेपरलेस बजट सत्र चले, इसके लिए विधायकों को आईपैड चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। और पेपरलेस सत्र के साथ अब सियासत भी मानो डिजिटल हो गई। एक और जहां विधायकों को आईपैड ऑपरेट करने का प्रशिक्षण मिल रहा है, तो कांग्रेस ने आपत्ति जताते हुए इस पर तंज कसा है। उत्तर प्रदेश नए भारत की नई तस्वीर लिखने जा रहा है। कहते हैं जो वक्त के साथ चलता है, वक्त भी उसका साथ देता है। मौजूदा वक्त डिजिटल का है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इससे हाथ मिला लिया है और अपने सभी मंत्रियों और विधायकों को भी इससे हाथ मिलाने को कहा है। मतलब सीधा है कि अब उत्तर प्रदेश में हर काम पेपरलेस होगा और जिन मंत्रियों और विधायकों को आईपैड चलाना नहीं आता, उनके लिए 11 फरवरी से ट्रेनिंग सेशन शुरू हो गया है, ताकि वो ठीक से आईपैड को ऑपरेट कर सकें और अपने विभाग का काम पेपरलेस तरीके से कर सकें। यूपी सरकार ने सभी विधायकों को 50,000 रुपए तक का आईपैड खरीदने को कहा है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी की ये पेपरलेस नीति और विधायकों की ई ट्रेनिंग कांग्रेस को कुछ रास नहीं आ रही है, जो डिजिटल युग में अपने कंप्यूटर के कॉपीराइट की याद दिला रही है। कंप्यूटर चलाने की शिक्षा या टैब चलाने की शिक्षा विधानमंडल सत्र के लिए ज्यादातर उनको है, जिन्होंने राजीव गांधी की कंप्यूटर क्रांति का विरोध किया था, धरने दिए थे और बैलगाड़ी से जिस विचारधारा के लोग पार्लियामेंट जाया करते थे। कांग्रेस के लोगों को टैबलेट, लैपटॉप और कंप्यूटर चलाने की शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। वैसे कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को लेकर बहस पुरानी है, लेकिन डिजिटलाइजेशन बदलते दौर की जरूरत है और इस बात को इस बार केंद्र सरकार ने भी समझा। जब 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने आई थी, तो देश ने बजट का नया स्वरूप देखा था। न ब्रीफ केस था, न बही खाता था, वित्त मंत्री के हाथ में लाल रंग के कवर में एक डिजिटल टैब था। अब यूपी सरकार भी पेपरलेस बजट पेश करने जा रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू हो रहा है और इस बार पहली बार यूपी का ये बजट पेपरलेस होगा। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी हैं, उनसे जानेंगे। सर, पहली बार ये पेपरलेस बजट होगा? जी हाँ, माननीय योगी जी ने विशेष रूप से इसके लिए प्रयास भी किए हैं, सभी माननीय विधायकों को सरकार की ओर से टैबलेट दिया जा रहा है और उनकी ट्रेनिंग भी 12, 13, 14 में कराई जा रही है। तो यही कोशिश होगी कि हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करें और टेक्नोलॉजी के उपयोग से कई फायदे भी हैं, लोगों की जानकारी बढ़ेगी, नई तकनीकी की लोगों को जानकारी मिलेगी और उससे सुविधा भी होगी। हम बहुत बहुत मोटी मोटी फाइलें ले कर चलते हैं, बहुत बहुत कागज अपने साथ लेकर चलते हैं, ऐसे एक आईपैड में हमारे पास
सारी इंफॉर्मेशंस होगी। अब धीरे धीरे लोग उसके यूज्ड हो जाएंगे। जानकारी के मुताबिक इस बार सिर्फ बजट ही नहीं बल्कि पूरा बजट सत्र ही पेपरलेस होगा। आपको बता दें कि 18 फरवरी से यूपी का बजट सत्र शुरू हो रहा है। 22 फरवरी को प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा में बजट पेश करेंगे जो 100% डिजिटल होगा, और यही वजह है कि इसके लिए विधायकों को पहले से ही ट्रेनिंग दी जा रही है। लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से विधायकों की ट्रेनिंग पर राजनीति कर रही है उसे कई सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या ये विरोध सिर्फ विरोध के लिए है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एक बड़ी खबर आ रही है, सूबे के शीर्ष अधिकारियों की बैठक में मुख्यमंत्री योगी का निर्देश डीएम, पंचायत चुनाव में अराजकता फैलाने वालों की पहचान कर उनसे सख्ती से निपटा जाए। चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिला मंडल रेंज और जोन के अफसर हालात पर नजर रखें, सुनिश्चित कराएं कि चुनाव हर हाल में शांति और सौहार्द में संपन्न हो। और इस बड़ी खबर के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। काल में ओरिजिनल